हेलो गाइस, दिस इज मोहित एंड यू आर वाचिंग मोहित मसल चैनल। अगर आप एक एक्टोमोर्फ हो, मतलब आप दुबले हो, पतले हो, कमजोर हो, आपका वेट गेन नहीं हो रहा, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, आप खाते तो खूब हो बट आपका वेट गेन नहीं होता, आप एक हार्ट गेनर हो, आपने हर तरह के सप्लीमेंट यूज करके देख लिया, आपने वेट गेनर यूज कर लिया, वे प्रोटीन यूज कर लिया, BCAA यूज कर लिया बट आपका वेट गेन नहीं होता, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, आपका फैट परसेंटेज बहुत कम है बट आपका वेट गेन नहीं हो रहा, तो इस वीडियो में मैं आपको उस कारण के बारे में बताऊंगा जिससे आपका वेट गेन नहीं होता। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना है और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जिससे आपको आपका वेट गेन करने में आपकी मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अब बात करते हैं उस कारण के बारे में जिससे आपका वेट गेन नहीं होता। तो उस कारण का नाम है डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसी डाइजेशन की वजह से आपका वेट गेन नहीं होता, डाइजेशन ही वो कारण है जिससे आपका वेट गेन नहीं हो रहा। डाइजेशन की वजह से आपके बॉडी में जो भी आप कुछ खाते पीते हो, जो भी आप खाते हो, आपकी बॉडी में वो लगता नहीं है, अब्जॉर्ब नहीं होता, आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज्ड नहीं होता, आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, आपकी बॉडी में वो क्या होता है, पूरी तरह से प्रॉपर हजम नहीं होता, मतलब सीधा बोलूँ तो आपका पेट खराब है, आपको खाए पिए लगता नहीं। जब तक तो आपको खाए पिए लगेगा नहीं तो आपका वेट गेन कैसे होगा, आपको डाइजेस्ट कैसे होगा, आपने खूब खाया बट वो आपकी बॉडी में खाने के बाद ब्रेक डाउन हुआ नहीं, वो आपने खाया और खा के आपकी बॉडी से बाहर निकल गया, आप खाते हो बाहर निकाल देते हो, खाते हो बाहर निकाल देते हो, जब आप ऐसे करोगे तो आपका वेट गेन कैसे होगा, खुद सोचो, आपका वेट गेन नहीं हो सकता क्योंकि आपने खाया पिया, जो भी आपने खाया पिया उसके में मौजूद न्यूट्रेंट आपकी बॉडी में लग नहीं पा रहे, वो अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसमें वो जाके फूड अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जब तक वो फूड अब्जॉर्ब नहीं होगा आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके मसल सेल तक नहीं जाएगा, आपको खाए पिए कैसे लगेगा, आपको एनर्जी कैसे आएगी, स्ट्रेंथ कैसे आएगी, इंड्योरेंस कैसे बढ़ेगा, आपके मसल का साइज कैसे बढ़ेगा, पंप कैसे मिलेगा आपको, इन सब कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना होगा। जब तक आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करोगे आपका वेट गेन कैसे हो सकता है। आप होता क्या है डाइजेशन में, पहले हम सबसे पहले फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड को कंज्यूम करने के बाद उसका होता है ब्रेक डाउन, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद कौन करते हैं, उसमें ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं डाइजेस्टिव इंजाइम्स। डाइजेस्टिव इंजाइम आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जैसे एमाइलेज हो गया, प्रोटीज हो गया, लाइपेज हो गया, ये कुछ ऐसे डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन सबको ब्रेक डाउन करते हैं जो कि है एक मैक्रो न्यूट्रेंट। ये जब तक आपकी बॉडी में इनका ब्रेक डाउन नहीं होगा, डाइजेस्टिव इंजाइम्स के आपकी बॉडी में कमी हो चुकी है, आपको जो दूध में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोज, दूध में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, शुगर जिस भाइयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको भी ये दिक्कत आती है कि उनको दूध हजम नहीं होता, ये होता है बिकॉज ऑफ आपके बॉडी में जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स है उनकी कमी हो चुकी है, आपको उनको इम्प्रूव करना होगा। उसके बाद जब तक आप अपनी बॉडी में मौजूद फूड को अब्जॉर्ब नहीं, फूड को में मौजूद न्यूट्रेंट को अब्जॉर्ब नहीं कर लेते, आपकी बॉडी में खाए पिए नहीं लगेगा, उसके लिए आपको जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, जहाँ फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, उनकी वॉल्स को साफ करना, उनकी दीवार को साफ करना पड़ेगा क्योंकि उन पर गंदगी जमा हो चुकी है, गंदगी जमा हो चुकी है। जब तक आप उनको साफ नहीं करोगे, जब तक वो साफ नहीं होगी, आपके न्यूट्रेंट आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होके आपके मसल सेल तक नहीं जाएंगे, जब तक वो मसल सेल तक नहीं जाएंगे आपको खाए पिए कैसे लगेगा।
तो अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को हेल्दी बना सकते हो, वेट को गेन कर सकते हो। तो मेरी टिप नंबर वन है, वो है जंक फूड को अवॉइड करना। आपको जंक फूड को अवॉइड करना ही करना है, आपको जंक फूड को खाना नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद होता है मैदा। मैदा खाने से वो आपके आंतों में जाके चिपक जाता है, जिससे आपका फूड का अब्जॉर्प्शन नहीं होता, फूड का अब्जॉर्प्शन नहीं होता तो आपका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता, डाइजेस्टिव एंजाइम खत्म हो जाते हैं, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खाए पिए नहीं लगता। टिप नंबर दो दूंगा आपको, हेल्दी फूड, आपको जंक फूड ही हेल्दी फूड का यूज करना है। आपको जितना हो सके हेल्दी फूड अपने डाइट में इंक्लूड करना है। हेल्दी फूड में भी आपको ऐसे फूड इंक्लूड करने हैं जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे आप यूज़ कर सकते हो बनाना, मैंगो, कीवी, एवोकाडो, इन फ्रूट्स में फाइबर्स बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स, दलिया, स्वीट पोटैटो, इनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले तो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो अब्जॉर्प्शन है जहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनकी वॉल्स को साफ करते हैं। साफ करेंगे तो आपके फूड का डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, फूड का डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपका वेट भी गेन होने लगेगा। टिप नंबर तीन मैं आपको दूंगा, अगर आप ड्रिंक करते हो या फिर एल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपको इसको तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि इससे भी आपका डाइजेशन खराब होता है। टिप नंबर फोर मैं दूंगा आपको, जो मेरी गोल्डन टिप है वो है वर्कआउट। आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। आपको डेली 1 घंटा वर्कआउट करना ही करना है, या आप पूरे दिन में 1 घंटा करो, या सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा करो, बट वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि है सेरोटोनिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोक्सिन। ये गुड हार्मोन्स है जिससे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन का इम्प्रूवमेंट होता है, आपकी बॉडी में पंप आता है, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ सब कुछ आती है बिकॉज ऑफ गुड हार्मोन्स। आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन का भी काम होता है आपके बॉडी में स्ट्रेंथ को बढ़ाना, एंड्योरेंस को बढ़ाना, आपके मसल का साइज बढ़ना, आपका वेट को गेन करना, आपके डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, अब्जॉर्प्शन सबको इम्प्रूव करना। तो आपको इन सभी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने वर्कआउट में जो एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है वो है मिक्स एक्सरसाइज जिसमें आती है कंपाउंड एक्सरसाइज, जिसमें आप इंक्लूड होते हैं स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, पुशअप, पुलअप। ये एक्सरसाइज है जो आपके गुड हार्मोन्स को रिलीज करती है, तो आपने अपने एक्सरसाइज में इन सबको इंक्लूड करना है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। जो मेरी लास्ट टिप है वो है ईटिंग वो सॉरी वो है स्लीपिंग। आपको एक गुड क्वालिटी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। आपको 8-9 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, अगर आप चाहते हो अपना वेट गेन करना, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना, अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना, डिस्ट्रीब्यूशन इन सबको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको अच्छी गुड क्वालिटी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो आपको पोस्ट वर्कआउट के बाद आपकी जो मसल में ब्रेक डाउन होता है उसको रिपेयर होने में उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है आपको एक अच्छी स्लीप लेना। तो भाइयों ये थी ओवरऑल मेरी वीडियो, बट इससे इन सब को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करें, वे उसके बाद आप इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि जब तक डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा आपका वेट गेन नहीं हो सकता। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल मोहित मसल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का बटन है उसको तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, बट आपके भाइयों आपका चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, मतलब हमारा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।